लगी मैं ब्राह्मण देवता को भोजन कराना चाहती हूँ, लेकिन ये तो करना ही नहीं चले। अच्छा ये बताओ, तुम गंगा मैया तो स्नान करने जा रहे हो, अगर तुम मेरे यहाँ पर भोजन करोगे तो मैं 5 सोने के सिक्के दक्षिणा में दूंगी। 5 सोने के सिक्के दक्षिणा में आपको दूंगी और आप हमारे घर भोजन कर लो। अब तो माता बहनों सोचने लगे 5 सोने के सिक्के। ब्राह्मण देवता मन ही मन में सोचने लगे, एक बार तो गंगा मैया वैसा भी स्नान करना जाने पड़ेगा, तो ऐसा करेंगे हम 2 बार स्नान कर लेंगे, लेकिन हमें हमें सोने के सिक्के तो मिल जाएंगे। ब्राह्मण देवता तैयार हो गए, उस वेश्या ने भोजन बनाया और भोजन बनाने के बाद जैसे ही थाली में परोसा और परोस करके लाई तो कहने लगी कि हे ब्राह्मण देवता, आप एक बार गंगा मैया स्नान जाओगे वैसी 2 बार जाओगे, लेकिन मैं मेरी आत्मा ये सोच रही है, मन विचार कर रहा है कि मैं अपने हाथों से भोजन कराऊं आपको। एकदम से उछल गए पंडित जी और कहने लगे, ये क्या कर रही हो, मैं तुम्हारे हाथों से भोजन करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। महाराज इनकार ना करो, मैंने बड़ी मेहनत से भोजन बनाया है, कर लो महाराज भोजन, अगर तुमने मेरे हाथों से भोजन कर लिए तो मैं आपको 11 सिक्के सोने के दक्षिणा में दूंगी। पंडित जी को और मन डगमगाने लगा, सोचने लगे 11 सिक्के, एक बार स्नान करूंगा 2 बार करूंगा, इसका मतलब 3 बार कर लूंगा और हमारा पाप धुल जाएगा। और जैसे ही मेरी माता बहनों उस वेश्या ने एक भोजन का निवाला हाथ में लिया और निवाला लेकर के जैसे ही सब्जी लगा करके आज जैसे ही ब्राह्मण देवता के लिए मुंह की तरफ ले गई और ब्राह्मण ने जैसे ही मुंह फाड़ा तो वेश्या ने उस भोजन के निवाले को थाली में छोड़ा और थाली में छोड़ने के बाद ब्राह्मण देवता के गाल पर ऐसा तमाचा लगाया कि तिलमिला करके वहीं पर खड़े हो गए। कहा तो मेरे हाथों से भोजन करने जा रहे थे और ये खोजने के लिए आए थे कि पाप का बाप कौन होता है, तो आज तुम्हारे प्रश्न का तुमको उत्तर मिल गया। कैसे मिल गया? लोभ ही पाप का बाप होता है। हैं परीक्षित महाराज, अगर थोड़ा सा भी लालच हो जाता है तो हमारा धर्म टूट जाता है। आज ब्राह्मण देवता की वहां से आंख खुली और आकर के अपने पिता को कहा कि पिताजी आज तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हमें मिल गया है। कहा कि किस प्रकार मिला? सारा वृतांत बता दिया। तो उसी समय कहा सबसे बड़ा पाप का बाप एक लोभ ही होता है। बोलिए गोविंद भगवान की। इस तरह से आज रानी भी इस लालच में पड़ी हुई है कि मैं इस आंगन में एक पत्नी पति की 2 पत्नियां सारा सुख साज इतर बितर हो जाएगा। और एकदम से डोले पर चढ़ी, डोले पर चढ़ करके कहा कि चलो ले चलो इस डोले को पीहर के लिए। उसी समय रानी सुनीति ने जब देखा, जिसका नाम ही सुनीति हो उसके अंदर क्या क्या नीतियां भरी होंगी, है? जिसका नाम ही सुनीति है, चल करके आई और कहा हे मेरी बहन, तू इस महलों को छोड़ करके कहां जाना चाहती हो? तो उसी समय कहा कि अरे ओ नागिन, अगर तू इस महलों में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी और मैं रहूंगी तो तू इस महलों में नहीं रहेगी। कहा कि बहन ऐसा मत करो कि ये राजपाट सब गे नाही और बहना ये सब तेरा ही, मैं तेरे लाल को खिला करके अपना जीवन बिता लूंगी, लेकिन मेरी बहन तू इस महलों को छोड़ करके ना जाओ।
उसी समय राजा की ओर देखकर केसर जी ने कहा कि मैं इसको बच्चा दूंगी तो गला घोट खा जाएगी, या तुमको जहर पिलाएगी या हमको मार हटाएगी। कहा कि बहन मैं ऐसा नहीं करूंगी। एकदम से सुरची कहने लगी कि अगर तुझको रहना है तो जा, तू खेतों की ओर बढ़ करके जा, खेतों की रखवाली कर। इतनी बात अगर तुम पहले बता देती मेरी बहन तो मैंने कब का इस महल का त्याग कर दिया होता। और रानी सुनीति ने अपने कलेजे को थामा और कहने लगी कि मैं उस महलों को छोड़ करके जा रही हूं कि उतरो अंदर जाओ बहिना, अपना घर देखो भालो तुम। कहा कि जाओ मेरी बहन अपने महलों को देखो भालो, लेकिन पीहर बाबा।